गाइस कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आपकी अपने रेट से आगे फिर से एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो लेकर के। सो गाइस आज की जो वीडियो है वो होने वाली है, सोच ही लो क्या होने वाली है यार, प्रैंक ऑन यश चौधरी पार्ट 3। तो यार आप लोग बहुत ज़्यादा बहुत पब्लिक डिमांड कर रही थी, मेरी फैमिली मेम्बर्स डिमांड कर रहे थे यार प्रैंक ऑन यश चौधरी पार्ट 3 लेके आओ। तो यार फाइनली आज ले ही आई हूँ मैं। और आज की जो वीडियो का कंटेंट है ना, जैसे मैंने स्टोरी बनाई है तो यार आप सोच भी नहीं सकते कैसी बनाई होगी। तो यार जिनमें मेरा साथ दिया है शुभम ने, ये मेरे कॉलेज के बहुत ही अच्छे दोस्त है यार, इन्होंने मेरा पूरा साथ दिया है यश का काटने में। तो यार मज़ा आने वाला है वीडियो में। यश को कॉल कर रही हूँ, हम सीपी में ही है, देखते हैं वो कहाँ है कहाँ नहीं। मैं उसको कॉल कर रही हूँ और बुलाते हैं बंदे को, बेकार आदमी के नाम से उसका नंबर सेव कर रखा है मैंने। एक्टिंग अच्छी कर लेना ठीक है, ताकि लगना चाहिए कि हेलो हेलो कहाँ हो। मैं बॉस में यहाँ पे गेट नंबर 5 पे था, तुम्हारा फोन नहीं लग रहा यार। हाँ मेरा फोन पता नहीं नेटवर्क नहीं हो गया शायद। अच्छा सुनो मुझे ना तुम्हें किसी से मिलवाना है। किससे मिलवाना है, कौन आ गया? कोई तो आया होगा ना, कैमरामैन आया कि जो मैंने बोला था यार नया वाला कैमरामैन। हाँ नए वाला कैमरामैन है ना, वही है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक बार आ जाओ यार गेट नंबर 4 की पार्किंग में। गेट नंबर 4 की पार्किंग। अच्छा 4 की पार्किंग। हाँ नलायक ठीक है, चलो मैं आ रहा हूँ, जल्दी आओ। ओके बंदा आ रहा है 5 से 6 मिनट में, बंदे का वेट करते हैं। और यार आज तो इसको बिल्कुल हलाल कर देना है ठीक है, मजा आने वाला वीडियो में। वेट करते हैं उसका 5-10 मिनट, वो आता है जैसे। तुम सब कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है, बस आप बताओ। बढ़िया यार, बस साथ दे दो आज की वीडियो में यार। हाँ काफी पूरा देंगे। कॉल आ गया, उसका कॉल आ गया। हेलो हेलो कहाँ? अरे यार मैं पार्किंग में पहुंच गया, तुम मुझे दिखाई नहीं दे रही। अरे वो हम घूमते फिरते ना यहाँ पार्क में आ गए, ऊपर वाली पार्क है ना जहाँ पे शूट करते हैं। अच्छा अच्छा आ जाओ यार, टाइम मत लगाओ ज्यादा हर बार की तरह। यार तुमने गड़बड़ कर दी थी, यहाँ खड़ने के लिए बोला था, आने के लिए ना ऊपर आ रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, अभी आ जाओ ठीक है। चलो आ रहा हूँ फटाफट। समझ लो कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ आज ठीक है। यार कॉलेज के दिन भी बहुत याद आते हैं यार, बहुत अच्छा दिन था यार, बहुत बढ़िया था। मेरे को बहुत लेक्चरर वगैरह में काफी है ना, बहुत सपोर्टिव थे यार, बोलते थे ना कि कुछ कर जाओ जिंदगी में कर जाओ। आज ये चीजें याद आती है यार, हाँ सही बोलते थे। आने वाला होगा बस। अरे हर बार लेट करते हैं बंदा ना, इस बंदे में गुस्सा तभी तो आता है मुझे, लेकिन क्या करूँ यार बंदा एक्चुअल में बहुत अच्छा है। अच्छा ऐसा है, चलो वो तो देख लेंगे भी मिल के कैसा है। बट वही है ना, रिलेशनशिप से मेरे को डर लगता है, तो इसलिए मैं कभी आना ही नहीं चाहते रिलेशनशिप में। नहीं मतलब आ गया कॉल। हाँ हेलो। अरे इधर देखो, इधर 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 पीछे पीछे यार हाँ तो ये तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। अच्छा यही है, यही है यार, तुम एक जगह टिक के नहीं रह सकते। कैसे है पार्किंग यहाँ आए? और भाई और भाई कैसे हो? शुभम शुभम नाइस यार। यार भाई तुम कैमरामैन क्यों हो यार, मॉडलिंग शॉटलिंग करो यार, कैमरा चला के क्या मिलेगा? स्मार्ट है ना? हाँ बढ़िया है भाई, अच्छा चूज करके किया था। यार वैसे मैं मतलब सीधी बात पे पॉइंट पे आता हूँ, भी इतना टाइम बताएंगे, मतलब काफ़ी दिन हो गए, मैं बताना तो चाहता था बट इतना समय हो गया, अभी मैं बता अभी आज फाइनली डिसाइड कर ही लेते हैं। मतलब देख यार भाई बात है स्ट्रेट, तेरा काम बहुत मेरे को देख, मतलब तू बहुत अच्छा आदमी है, तुम बहुत मेरा काम तेरा बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत तू अच्छी वीडियो बनाता है, पर ठीक है बट रेट इज माई वाइफ। हाँ तुम तो कहते कैमरा मैन। अरे वो कैमरा मैन तो मैंने बोल के बुलाया ना, तुम्हें बुलाना था ना इसलिए। अच्छा सुनो अब ठीक है भाई, देख भाई वाइफ वाला सीन कैसे यार, भाई तू वीडियो बनाता है ठीक है, इनके साथ बनाता है ठीक है, बट ये प्रपोज वर्पोज वाला क्या सिस्टम है? प्रपोज किस क्यों करता है, जब एक बार प्रपोज हुआ ठीक है, बार बार का क्या सीन है? शाम को आके मेरे पास होती है ये, मेरे को प्रॉब्लम होती है ना भाई, सुन मेरी बात, आज के बाद कोई वीडियो नहीं बनानी इनके साथ, तो बिल्कुल नहीं बनानी ठीक है, चाहे किसी और के साथ बना, तेरा काम चल रहा है अच्छा चल रहा है चलने दे भाई, इनके साथ कुछ नहीं करना ठीक है, ना तेरा कोई फ़ोन कॉल आना चाहिए, ना तेरा कोई कॉन्टैक्ट रहना चाहिए। मैं बहुत दिनों से सहन कर रहा हूँ, मेरे पे लोगों के मैसेज आते हैं, घर से मैसेज आते हैं कि तेरी वाइफ किसके साथ घूम रही है। यार सिर्फ यही एक बात थी जो मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताई थी, प्यार से भी बता देता बट इन इसके चलते हुए इन्होंने कहा था कि एक बार न्यूट्रल है, मैं अपने आप बता दूंगी भैया, मैं सहन नहीं कर सकता सीधी बात है।
रेट तुम अपने आप समझाओ, 5 मिनट का टाइम देता हूँ मैं तुमको, गाड़ी में आ जाना, अभी वेट कर रहा हूँ। अगली बार भाई फोन नहीं आना चाहिए, वरना ना डायरेक्ट पुलिस आएगी तेरे घर पे, सीधी बात है। ठीक है मैं आ रही हूँ 2 मिनट में, है ना। कुछ बोलना है? कौन था ये? और कौन है? हस्बैंड। हाँ हिसार से आया ना, आज ही मिलने आया, क्योंकि ना बहुत टाइम से आने वाला था, तुमसे यही बात करने वाली थी लेकिन नहीं कर पाई थी, बताना चाहती थी तुम्हें। यार यश बात यह है कि सिर्फ एक यही चीज़ थी जो मैंने तुम्हें आज तक ज़िंदगी में नहीं बताई, पूरी ज़िंदगी में मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताई, जब से हम फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छे। मुझे पता है यार तुम्हारे मन में मेरे लिए फीलिंग्स है, तुम बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हो मेरे से, ठीक है, लेकिन बात यह है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ यार, सिर्फ यही रीज़न था कि मैंने तुम्हें कभी हाँ नहीं किया। आई होप तुम समझोगे मेरी बातों को, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी इसलिए मैंने तुम्हें हाँ नहीं किया, वरना मैं चक्कर चला सकती थी और गंदी लड़कियों की तरह कि हाँ तुम्हारे साथ भी हाँ चल रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ से भी प्यार मिल रहा है, वहाँ से भी मिल रहा है, बट मैं नहीं चाहती थी ना ऐसा, हर्ट करना नहीं चाहती थी तुम्हें। यार तुमने तो हिला के रख दिया यार मुझे, मुझे क्या मेरी पूरी जिंदगी हिला दी यार। जिंदगी हिलाने वाली क्या बात है भाई, मैं मैरिड हूँ इसमें मेरी गलती क्या है? मुझे नहीं पब्लिकली शो करना था कि मैं मैरिड हूँ, मुझे लगता था कि अगर मैं लोगों को दिखाऊंगी मैं मैरिड हूँ तो हो सकता है शायद मेरे चैनल पे फर्क पड़े, मेरी कुछ ऐसी सोच है कि हाँ मेरे को सपोर्ट ना करे लोग, इसलिए मैंने नहीं पब्लिकली शो किया, लेकिन रीज़न यही था तुम्हें हमेशा डिनाई करने का कि हाँ मैं मैरिड हूँ, मैं मैरिड हूँ, कि मुझे अपने बंदे से बहुत प्यार है यार, मेरा हस्बैंड है वो यार, बंदा तो क्या ही है, बहुत प्यार करती हूँ यार मैं उससे, इसलिए मैं हमेशा तुम्हें मना करती थी, मैं दिल नहीं दिखाना चाहती थी। मुझे कभी बताया नहीं, मेरे मन तो देती, पता है मैं कितना आगे की तक की सोच यार, आगे की कैसे सोचने लग गए तुम, मैंने तो तुम्हें कभी हाँ ही नहीं बोला, आज तक तुम्हें बोला आई लव यू, बोला नहीं ना, उस दिन वीडियो शूट के लिए बोला क्योंकि सिर्फ वो कंटेंट था और शूट के लिए मैंने आई लव यू बोल दिया, लेकिन अब टोंटिंग कर रहे हैं मेरे हस्बैंड को, लोग बोल रहे हैं कि यार तेरी वाइफ है जो यश चौधरी के साथ इतनी वीडियोस बना रही है, उनका अफेयर चल रहा है, ये चल रहा है। यार तुम्हारी शादी को मुझे तो कभी पता ही नहीं चला ना, तुमने 3 साल हो चुके हैं मेरी शादी को यार, तुमने कभी दोस्ती में भी जिक्र नहीं करा इस तरीके का, कैसे करती यार बताओ, दिल दुखा दिया यार, मैंने दिल नहीं दुखाया, तुम्हें समझ यार तुम्हें समझना पड़ेगा कि अगर मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ तो इसलिए मैं चला सकती थी ना चक्कर, तुम्हें समझ आ रहा है क्या, गंदी लड़कियों की तरह, क्योंकि तुम भी मुझसे प्यार करते हो, तो यार इसमें मैंने बुरा क्या कर दिया, अगर मैंने तुमसे ये चीज़ छुपा ली तो, मैं नहीं पब्लिकली शो करना चाहती थी यार, मुझे शो ऑफ नहीं करना था कि मैं मैरिड हूँ, सिर्फ यही रीज़न है तुम्हें डिनाई करने का हमेशा। अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मम्मी पापा टोंटिंग कर रहे हैं, ठीक है शुभम को बोल रहे हैं कि भाई अच्छा नहीं लगता तेरी वाइफ के लिए लोग ऐसे बोलते हैं कि यश चौधरी के साथ चक्कर है, ये है वो है फलाना ढिकाना, उसके साथ वीडियोस करती है, पक्का इनका कोई सीन चल रहा है, जबकि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें आज तक आई लव यू नहीं बोला, अगर बोला है तो बता दो, अभी वो सामने खड़ा है शुभम। नहीं यार नहीं बोला ना यार, तो मैं कहाँ गलत हूँ बताओ, मेरी कहाँ गलती है यार, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी यार, मुझे पता तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो यार पता तुम मुझे नहीं भी बताती, बात बात करना सब बंद कर देती, ये तो मेरे लिए एकदम हिलेरियस था यार, मतलब मुझे पता है मैं ये एक ऐसी सिचुएशन में तुमसे कुछ कह ही नहीं सकता, क्या बोलूँ मैं, अपनी किस्मत को दोस्त हूँ यार, मुझे नहीं पता था कि एक ऐसा सच है तुम्हारे पास छिपा हुआ। देखो मुझे पता है तुम मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, मैं रिस्पेक्ट भी करती हूँ उसकी, इसलिए हमेशा मैंने तुम्हें डिनाई किया, मैं तुम्हें धोखे में रख सकती थी, समझ रहे हो ना तुम उस बात को, मैंने नहीं रखा ना धोखे में, कभी बोला तुम्हें आई लव यू नहीं, क्योंकि मैं मैरिड हूँ, मैं कैसे ट्रीट कर दूँ अपने हस्बैंड को, तुम खुद सोचो, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ यार, और मुझे नहीं लगता मेरी कहीं गलती है यार, और अगर तुम्हें फिर भी लग रहा है अगर मैं गलत हूँ तो ठीक है यार, दोस्ती भी यही खत्म कर दो। नहीं मेरे दिल में पता तुम्हारी आज रिस्पेक्ट और बहुत ज़्यादा बढ़ गई, फीलिंग्स अपनी जगह, लेकिन सच बताऊँ सल्यूट है यार तुमको, तुमने मुझे बता दिया, मैं समझ सकता हूँ कि हाँ यार मुझे करियर पे भी इम्पैक्ट पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो और मैं रिस्पेक्ट भी करती हूँ यार उसकी, पर इस जन्म में तो नहीं यार, अगले 7 जन्मों तक तो मैं उसी की हूँ, मे बी 7 जन्म के बाद। वैसे तुम बहुत अच्छी लगती हो इस गेटअप में यार, उस दिन हमने लास्ट टाइम एक वीडियो की थी ना, तो उस टाइम सोच लेता कि यार मेरी फ्यूचर वाइफ ना यही बननी चाहिए, बट मैं ऑलरेडी किसी और की वाइफ हूँ ना, मुझसे कोई बहुत ज़्यादा प्यार करता है, इनफैक्ट मैं भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, नहीं देना चाहती थी यार किसी को भी धोखा। दिल से रिस्पेक्ट है राज तुम्हारे लिए, मैं यूँ भी नहीं कह सकता कि मतलब मेरे लिए किसी को छोड़ो छाड़ो, मतलब
क्योंकि मुझे पता है तुमने हमेशा एज अ दोस्त मुझे लिया है। मेरे को ना जाना पड़ेगा यार, बात यह है कि शुभम को बहुत गुस्सा आ जाएगा। शुभम बहुत गुस्से में है, उसने मेरे को सिर्फ 5 मिनट का टाइम दिया और उसने बोला मुझे गाड़ी में आ जाओ। वो 5 मिनट का टाइम था और मैंने तुमसे बात कर बात बात वीडियो कॉल वगैरह नहीं यार, आज के बाद हम कोई वीडियो नहीं कर पाएंगे साथ, क्योंकि यार जब मेरे हस्बैंड को प्रॉब्लम है तो यार मैं कैसे कर लूँ तुम्हारे साथ वीडियो, उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है यार। फिर भी एज अ फ्रेंड तो हम कर सकते ना, तुम्हारे पता है ना हमारे जो व्यूअर्स हैं कितने लोग हमें सपोर्ट करते हैं, प्यार करते हैं, प्रपोजिंग वाले। तुमको ये नहीं पता था ना मैं मैरिड हूँ, अब उन्हें पता लगेगा ना मैरिड हूँ तो वो भी सपोर्ट नहीं करेंगे कि हाँ चलो ठीक है नहीं कर रही मैं वीडियोस, कुछ गलत नहीं है उसमें। सॉरी यार मेरी फैमिली से बढ़ के कुछ नहीं है, सॉरी यार, प्लीज़ यार टेक केयर। हाँ मैं जा रही हूँ भाई, अब ऐसे मत देखो वरना मुझे नहीं लगता मैं कहीं गलत हूँ, अगर फिर भी मेरे से कोई जाने अनजाने गलती होगी तो आई एम सो सॉरी भाई। यार तुम्हें तो मैं हेल्प नहीं कर सकता, मैं कर लेती हूँ, बट शुभम को इससे प्रॉब्लम है। अच्छा ठीक है भाई, टेक केयर। हाँ गया इश्क तेरा के माने नहीं दे, मैं किसी और का हूँ फिलहाल, मैं किसी और का हूँ फिलहाल के तेरा हो, पल पल मेरा तेरे ही संग बिताना है। भाई देख यश, यश तुम रो क्यों रहे हो? अरे भाई रोने की कोई जरूरत नहीं है, अभी जो छोटा उठा हो गया। आर यू फीलिंग बेटर? बेटर भाई, सो सॉरी यार, मुझे नहीं पता था मेरी वजह से आप लोगों को पब्लिकली बताना पड़ेगा, इसके करियर पे इफेक्ट पड़ेगा, सो सॉरी यार। कोई ना, बट अभी बट रोने की क्या बात है इसमें यार, सच्ची तो बताया है तुम्हारे करियर पे प्रॉब्लम आ सकती है ना, कि आज तुमने सब कुछ बताया। बट यार इससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है ना, आई लव यू माय लॉट यार, मैं उसके बिना रह ही नहीं सकती हूँ, पूरे 7 जन्म तो मैं इसी के साथ ही हूँ। देख भाई okay, you enjoy your life. I'm so sorry. It's okay. Take care, huh? Bye. अब फिर तुम रो रहे हो यार, हद है यार, कितना रोगे, बाल्टी भरने के पूरी आज। तुम्हें पता है यार, मुझे लग रहा है कि मैंने गलत किया है। तुम्हें पता है कि कितना बुरा लगा था मुझे तब तुमने उसको दिशु के साथ मिलके चूड़ा वूड़ा पहना के मैरिड लुक दे के मेरे प्रैंक किया था, कितना बुरा लगा था मुझे, सोचा तुमने? मुझसे ना रहा ही नहीं गया तुम पे प्रैंक ऑन यशोद्री पार्ट 3 करने के लिए। प्रैंक को नहीं, चौधरी बात भी हो चुका है तो यार ऐसे कौन करता है, हद है यार, मतलब ये तो प्रैंक थोड़ी ना, ये तो किल्सन हुई ना, किल्सन निकाल रही तो मेरे ऊपर। तो मेरे मैं अभी तो किल्सी थी, कितने दिन किल्सी हूँ पता तुम्हें, 100 प्रैंक बनाने चाहिए। अच्छा देखो तो सही कैमरा, मेरा कॉलेज फ्रेंड है ये शुभम, आई एम नॉट मैरिड यार। यार ये तो किल्सन हुई ना जो तुम मुझको उतार रही हो, दोबारा भी कर दिया था यार, हद है यार, गलत बात है यार, ऐसे नहीं करना चाहिए। बट ऐसा नहीं है, मैं मैरिड नहीं हूं तो मैं तुमसे पट जाऊंगी, ठीक है? नहीं पटाना भी नहीं है, पता है तुम नहीं पटाना यार। हाय तो बोल दो, हाय कर दो। बोल दो प्रैंक को नहीं है, चौधरी पार्ट 3 आ चुका है। भाई यार ये तरीका गलत था, देखो मैं इसमें बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगा, ये तो एक किल्सन हुई ना जो इन्होंने मेरे ऊपर करी है, ऐसे थोड़ी ना कोई प्रैंक करता है, हद है यार, ऐसे तो होते हैं। शुभम भाई यार आप भी एक लड़के हो के लड़के का दिल तो समझो यार। नहीं यार मतलब देखो यार अभी मैं प्रैंक करना था, अगर आप इतना बुरा मान रहे हो तो दिल से सॉरी। सॉरी बोल दिया, दिल दुखा दिया। क्या दिल दुखा, हमारा तो दिल नहीं है, भगवान ने हमें दिल नहीं दिया, हमारा तो दुखता ही नहीं है, वहाँ की दर्द नहीं होता, हमारे तो दर्द ही नहीं होता है, दर्द तो सिर्फ तुम्हें होता है ना। चलो ठीक है ना, प्रैंक को नियर चौधरी पार्ट 3 आ चुका है, गलत है यार, तो मैं पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 मजा आया। हाँ काफी। तो गाइज आई होप आपको भी बहुत ज्यादा मजा आया होगा, तो यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिसने यार अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। और मुझे पता है यार बंदा बहुत नाराज है, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, मनाना पड़ेगा, लेकिन ठीक है यार,
मना लूंगी यार, दोस्त है, हर एक दोस्त कमीना होता है। और आप कुछ बोलना चाहोगे वीडियो को? भाई मैं तो देखो यही बोलना चाहूँगा, काफ़ी अच्छी वीडियो है, मेरे को भी इंजॉयमेंट काफ़ी हुआ। और मतलब और भाई हरियाणवी भाइयों को मैं स्पेशल बोलना चाहूँगा, भाई लाइक करो, दब के लाइक करो भाई, शेयर करो, कमेंट करो भाई, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। लव यू ऑल।